जे अज भी बत्ती जथेबंदियां ते मुखियां दे नाल मोदी ने गल करनी वाजब ना समझी तां असीं हिंदुस्तान दे जिन्ने मठां दे पुजारी है, जिन्ने मंदरां दे वड्डे पुजारी है, उन्हां संतां नूं भी नाल लै के मोदी दे घर दे मूहरे बैठांगे। जदों भी मोदी नूं गल करनी पैनी है, इस मंच ते ही करनी पैनी है, वक्खरी वक्खरी किते नहीं हो सकदी। ये तीन बिल रद्द करने ही पैने आ। बड़े साडे मसले असी भुल नहीं गए, पर अज मसला तीन काले कानूनां दा है। असी बत्ती जत्थेबंदियां दी हमायत विच आए हाँ। कोई भी मेरा वीर पत्रकार, वख वख आगू, सिख संगतां कोई गलत अंदाजा ना लाउण। महापुरख शायद गौरमेंट दे नाल गल करन आए आ, ये अपने तौर पर कोई मसला हल कर देंगे। नहीं, असी तो सारे पहला किसान है, तो थोड़े मगर आए हैं। गुरु रूप खालसा साध संगत जी, पंजाब दे कोने कोने तो आए हुए महापुरख, पंथक जथेबंदियां, दलित समाज के महापुरख ते आगू, सिख संगत सारे गज के फतेह बुलायो, ता कि जिहड़े हले भी झुग्गियां च ट्रालियां च अपने कैंपां दे विच संगतां बैठियां वह भी आ जाण। सारी संगत गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। मैं आप जी नाल बहुता लैक्चर नहीं करना। जिहड़ियां अंदोलन चला रही बत्ती जथेबंदियां, उन्होंने बहुत बारी दास नूं मान दिता है स्टेज तो बोलन दा। मैं एक बेनती करनी है कि मेरे को जेडे महापुरखों की जिनी कि लिस्ट पहुँची है, 111 महापुरख ने, तो मैं चाहना कि सारे संगतों के दर्शन करन। जिन्ना क समा दिता जाए, गल तो आप एको ही करनी है कि अज समुचा संत समाज पंजाब का, मैं कल भी राजपुरे गल की सी, अज असी वख वख जिथे संप्रदावान के मुखी नहंग सिंह दल, निर्मले महापुरख, उदासी महापुरख, सारे ही दलित महापुरख अज इकट्ठे होके आए हैं। जे अज भी बत्ती जथेबंदियां दे मुखियां दे नाल मोदी ने गल करनी वाजब ना समझी तो असी हिंदुस्तान दे जिन्ने मठां दे पुजारी है, जिन्ने मंदरां दे वड्डे पुजारी है, उन्हां संतां नूं भी नाल लै के मोदी दे घर दे मूहरे बैठांगे। आपां गल यही करनी है, कोई होर इतिहासक चैप्टर नहीं छेड़ना, क्योंकि जे आपां इतिहास जावांगे इतिहास बहुत लंबा है। बहुत तुसी सारे वड्डे बुला रहे हैं, चार चार घंटे दे दीवान लाउण वाले हैं, पर शब्दों नूं संकोच के सारयां दी हाजरी लग जाए, क्योंकि आपां सारयां नूं कल राजपुरे कहा है कि आपां सारे महापुरखां दी हाजरी इस स्टेज तो लवानी है। इस करके दास बहुता कुछ ना कहिंदा होया, असीं बत्ती जथेबंदियां दी हमायत विच आए हाँ। कोई भी मेरा वीर पत्रकार, मीडिया वाले, जां कोई भी इत्थे बैठे हुए भी वख वख आगू, सिख संगतां, कोई गलत अंदाजा ना लाउण भी महापुरख शायद गौरमेंट दे नाल गल करन आए आ, ये अपने तौर पर कोई मसला हल कर देंगे। नहीं, असी तो सारे पहला किसान है, तो थोड़े मगर आए हैं। जदों भी मोदी नूं गल करनी पैनी है, इस मंच ते ही करनी पैनी है, वक्खरी वक्खरी किते नहीं हो सकती। ये तीन बिल रद्द करने ही पैने आ। सो इस करके असी तो इस वास्ते आए हैं कि महापुरखों ने लंगर लाए, इत्थे दुध दियां नदियां वगाईयां, दवाईयां भेजियां, पानी भेजिया, लंगरां दे विच बालण भेजे, बड़ियां सेवावां कीतियां। पर महापुरख कहिंदे वी आपां सांझे रूप विच सारे चलीए, इस करके सारे महापुरखों ने दास की ड्यूटी लाई सी कि तुसी थोड़ी जी हिम्मत करो,
कल कल महापुरखों को जाके ये बेनतियां करो कि असी बाबा बंदा सिंह बहादुर बाबा बंदा सिंह बहादुर फतेह मार्च लैके 23 तरीक नू जाना है। भावें कल बहुत बरसात तुसी देखी है पर मैं बिहार जाना उन्हां महापुरखों ते संगतां दे जिन्हां ने बरसातों की परवाह नहीं की, सारे महापुरख इत्थे पहुँचे है। सो यह बेनतियां कर ली कि असी हर तरह के नाल केवल अनाज राशन दवाइया तक सीमित नहीं, जे वजह भी 32 जत्थेबंदियां आदेश देणगियां, जिहोजा प्रोग्राम अलीकणगियां, वो असी सारे तुहाडे नाल वध चढ़ के हिस्सा पावांगे। साडे नाल पंथक जत्थेबंदियां है, पंथ दे बड़े वड्डे मसले आ, 30-30 सालां तों साडे जथेदार वारे वर्गे बहुत सारे जिहड़े साडे नौजवान जेलां च बैठे आ, बड़े साडे मसले असी भुल नहीं गए। पर अज मसला 3 काले कानूनां दा है, इस करके असी वो चैप्टर वक्री स्टेज ते वक्रे ढंग दे नाल तोरांगे। पर तुहाडे विच कोई इहो जी गल नहीं करनी चाहुंदे कि इन्हां ने जी आके मुद्दे वधा दित्ते, नहीं इत्थे असी केवल 3 काले कानूनां दी गल करन आए हां। साध संगत जी बाकी समस्यावां मुक्कियां नहीं, इस वास्ते उन्हां ते भी आपां संघर्ष लई तैयार रहना। पर मैं महापुरखां नूं बेनती करके समाप्ति करदा कि अज दुनिया भर दे विच बैठा सिख अपने नाल सहमत है और सिदकदरी दे नाल जुड़िया होया। कई बार मीडिया च खबरां लग जांदियां है कि बाहरले सिख अक गए ने, थक गए ने, नहीं भाई बिल्कुल नहीं थके, बिल्कुल नहीं अके। असी थोड़ा जिहा सुनेहा दिता कि असी जाणा है भाई, हर एक देश दे विच उसने आए कि सिंह साहब जी तकड़े होकर चलो, होर भी लोड़ पई तां असी हर तरह की मदद करांगे। एवें झूठे अंदाजे नहीं लाने चाहिए। बाकी जिहड़ी योग अगवाई 32 जत्थेबंदियां कर रही हैं, इन्हां ते भी कई बार एवें झूठ दियां खेडां खेडियां जांदियां, चालां चलियां जांदियां, गौरमेंट की आदत हुंदी आ। सो पिछले 10 महीनों तो जिस ढंग दे नाल शांतमई मर्यादा पूर्वक एकता इतफाक ते बाद दलील गौरमेंट दे नाल मीटिंगां करके इस संघर्ष नूं तोरिया, ये वधाई दे पात्र ने 32 दे 32 जत्थेबंदियां। सो इस वास्ते मैं इत्थे समाप्ति करदा ते बेनती करदा कि साध संगत जिन्हें भी महापुरखों नूं जिन्ना समां दिता जाए उहदे चों जी 1-2 मिनट छड्ड जाण ते बहुता ही धन्नवाद होगा। बुलाउणा सारिआं नूं है, कोई भी महापुरख यह ना कहे जी मेरी हाजरी लवा दिओ, तुसी आप ही बोल दिओ, नहीं, क्योंकि वख-वख संप्रदावां दे वख-वख स्थानां दे वड्डियां सभावां करन वाले महापुरख है, इन्हां सारिआं ने बोलना है। सो मैं भाई सज्जन सिंह नूं बेनती करूँगा, स्टेज सैकटरी का काम सिर्फ स्टेज सैकटरी है, तुसी आप कोई साखियां नहीं सुनाउणियां, आप किसी के आसे पासे नहीं जाना, सिर्फ नाम लैना है, बोलने वाले बुलारे का धन्नवाद करना तो अगला बुलाला बुलाउणा है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, सिमरन वाले, नाम जपाउन वाले, समाधियां लाउन वाले, चौंकड़े मार के 4-4 घंटे वाहिगुरु नाल जुड़न वाले, वो शक्तियां जुड़ियां थोड़े ना, लोग जो मर्जी कहन पर साध संगत ते शक्तियां छोटियां नहीं। सो सारे ही संतां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। आओ अगला प्रोग्राम भाई बलवंत सिंह तो सुनो ते नाल नाल जिवें जिवें महापुरखां नूं समां दित्ता जाएगा उस हिसाब दे नाल सारे आपां समें दी सीमा विच रह के ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।